Hello everyone, my name is Umair Afzal and you are watching Student Hub HD. Last lecture में हम लोगों ने for loop को देखा था, इस lecture में हम लोग while loop को देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग while loop का syntax लिखते हैं. ये वही example है जो हमने for loop के साथ देखी थी, इसी example को हम अब while loop के साथ करेंगे. तो सबसे पहले मैं while का keyword लिखता हूँ, while. एंटर करेंगे तो हमें वाइल की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, वाइल लूप का जो स्ट्रक्चर है, वो विजुअल स्टूडियो ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा. सबसे पहले वाइल का कीवर्ड है और उसके बाद कंडीशन है और देन बॉडी है. जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि फॉर लूप के अंदर, फॉर लूप हमें ये सहूलत देता है कि हम आइट्रेशन वाले वेरिएबल को, यानी कि ये जो आई प्लस प्लस है, आइट्रेशन के पार्ट को हम लूप के स्ट्रक्चर के अंदर लिख सकें, लूप के अंदर लिख सकें. लेकिन वाइल लूप ऐसा नहीं है. वाइल लूप जस्ट कंडीशन को एक्सेप्ट करता है और हमने आइट्रेशन खुद मैनेज करनी है. तो आइट्रेशन को मैनेज करने के लिए हमें कोई वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा, int i is equal to 0. और अब मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ, while i is greater than equal to 10. इसका मतलब ये है, जैसे कि हमने if कंडीशन में पढ़ा था, इसको अगर हम उसी तरीके से देखें तो if i is greater than equal to 10, जबकि इफ़ कंडीशन जस्ट एक दफ़ा एग्जीक्यूट होती है और ये वाइल का लूप है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आई ग्रेटर देन या इक्वल टू 10 है, तब तक इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करते रहो. तो बॉडी के लिए मैं यही लाइन कॉपी कर लेता हूँ. और फॉर लूप को हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं. अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये लूप एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. उसकी वजह यह है कि हमने इस आई के वेरिएबल को ज़ीरो से इनिशियलाइज़ करवाया है और हमने कंडीशन ये दी है कि जब तक आई का जो वेरिएबल है वो लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है. तो ये कभी भी ट्रू नहीं होगा, क्योंकि हम ना तो कहीं पे आई की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं और ना ही हमने इसको इनिशियलाइज़ ग्रेटर देन 10 से करवाया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी कंडीशन को चेंज करता हूँ. अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये एक इनफाइनाइट लूप चल पड़ेगा. उसकी वजह यह है कि आई की वैल्यू 0 है और ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी. इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोग्राम हमेशा के लिए चलता जाएगा और ये स्टेटमेंट हमेशा के लिए एग्जीक्यूट होती जाएगी. इस पर्पज़ के लिए, क्योंकि फॉर का लूप आइट्रेशन को ख़ुद से हैंडल करता था, तो यहाँ पर हमें आइट्रेशन को मैनुअली बॉडी के अंदर हैंडल करना है. तो मैं सिंपली लिखूँगा आई प्लस प्लस. और अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं. लेट्स से मैं नंबर एंटर करता हूँ 10, लिमिट एंटर करता हूँ 5. अभी हम लिमिट को यूज़ नहीं कर रहे. तो 10 का जो टेबल है वो 0 से स्टार्ट होके 10 तक प्रिंट हो गया. इसको क्लोज करते हैं. आई को हम इनिशियलाइज़ करवा देते हैं 1 से. और बजाय इसके कि यहाँ पे हम 10 दें, मैं यहाँ पे अब लिमिट का वेरिएबल देता हूँ, जैसे कि हमने फॉर लूप की एग्जाम्पल में देखा था, ताकि यूज़र की मर्ज़ी से टेबल प्रिंट हो जहाँ तक वो चाहता है. लेट्स से मैं नंबर दे रहा हूँ 50 और मैं 50 का टेबल 5 तक प्रिंट करना चाहता हूँ. तो 51 is 50 एंड सो ऑन 250 तक जो टेबल है वो 50 का प्रिंट हो गया. अगर हम इसके एग्जीक्यूशन पैटर्न को देखें तो ये जस्ट कंडीशन को चेक करता है और उसके बाद बॉडी को एग्जीक्यूट करता है, एंड देन अगेन ऊपर जाके कंडीशन को चेक करेगा, देन अगेन बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा. यानी कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, लूप की ये जो बॉडी है ये एग्जीक्यूट होती रहेगी. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डू व्हाइल लूप को देखेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल.